जय श्री गणेश जी। मैं हूँ संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे दो चैनल हैं, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल और दूसरा है माँ लक्ष्मी ज्योतिष विद अस्ट्रो संध्या सक्सेना। तो आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। उस उपाय को करने मात्र से आपको बहुत 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 लाभ होगा, क्योंकि ये प्रेम संबंध को या किसी भी प्रिय के साथ संबंध को मजबूत बनाने के लिए है। अगर आपको अपने बॉस के साथ मजबूत संबंध करने हो, दोस्त के साथ मजबूत संबंध करने हो, प्रेम के साथ संबंध बनाने, आपका कोई खास हो जिसको आप नहीं चाहते हो ये कभी आपके पास काम छोड़ के जाए, उसके साथ आपको संबंध मजबूत कराने हो, यानी कि एक्स वाई जेड आपकी सास हो, ससुर हो, देवर हो, चाचा हो, चाची हो, मामा हो, मामी हो, मौसी हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिलेटिव हो सकता है, उसके साथ अगर आपको संबंध मजबूत करने हैं तो ये रामबाण उपाय एक टोटका आपको बताने जा रही हूँ। किसी को भी आपके पीछे दीवाना करेगा, पागल करेगा, आपके पीछे दौड़ा देगा, और ये आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पास ओरिजिनल गोरोचन आ गया है। ओरिजिनल गोरोचन बहुत 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 काम का होता है। ओरिजिनल गोरोचन से आप, मुझे नहीं पता आप क्या मतलब, ओरिजिनल गोरोचन से कहते हैं कि आप भगवान तक को पा सकते हैं, नीचे आके आपसे बात करने लगते हैं, इतनी ताकत इतनी शक्ति होती है इस गोरोचन में। तो मेरी किस्मत है कि ये मुझे प्राप्त हुआ है। और हाँ, मैं पिछले कफ टाइम से, मेरे पास 2 साल पहले आया था, उसके बाद नहीं आया, और अब मैं कफ टाइम से कोशिश कर रही थी मुझे प्राप्त हो, और लगभग 3-4 महीने में, क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूँ सुबह सुबह उठ के, तो मेरी मेडिटेशन में मैं हायर लेवल पर चल जाती हूँ। एस्ट्रल प्रोजेक्शन पे मेरा काम होता है मैक्सिमम लेवल पे। तो मैं अक्सर क्या होता हूँ कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरी जो आत्मा है वो शरीर से बाहर एक तरफ से निकल जाती है, आप ये कह सकते हैं, मेरे को यूनिवर्स में घूमने की आदत है, फिर मैं ऊपर की तरफ निकल जाती हूँ। तो वहाँ पे जाके मैंने लगातार, अगर हम कोई प्रेयर बोलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, तो काम हो जाता है, और ज़्यादा नहीं लगता है उसमें, लगभग 7 दिन के अंदर काम हो जाता है। तो मैं लगातार यूनिवर्स में प्रेयर्स भेज रही थी कि मुझे गोरोचन की सख्त जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे काम आए थे जिसमें गोरोचन की बहुत हेल्प चाहिए थी मुझे। मेरे पास 3 बार गोरोचन आया, 3 बार फेक आया, फिर और कितना एक्सपेंसिव, इतना कॉस्टली। फिर मैं लगातार जब यूनिवर्स में प्रेयर भेज रही थी तो भगवान की कृपा से मेरे पास प्योर गोरोचन आया, और इस बार जो गोरोचन आया वो एकदम से प्योर है, ठीक है। और उससे मैंने कई लोगों को हेल्प करी, कई लोगों के काम बन गए। कल भी मैंने उस 7 लोगों को कुछ बना के भेजा, वो उससे बहुत जल्दी काम होते हैं। तो गोरोचन के बारे में आपको बता रही थी, तो आज मैं आपको लेकिन गोरोचन के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं आज आपको बता रही हूँ आपके जो रिलेशनशिप होते हैं उसको मजबूत करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट उपाय बता रही हूँ, जिससे आपका जो भी काम हो वो पूर्ण हो जाए। तो आप, मैं आपको वो बताऊँगी आज का जो उपाय है, अब मैं वो बता देती हूँ। कुछ नहीं करना है, एक पीले रंग का पेपर खरीद के लाना है छोटा सा, उस पर लिखना है अपना नाम और उस व्यक्ति का नाम जिसको आप प्यार करते हैं। मंत्र रहेगा ओम नमः आदि पुरुषाय विनीत कुमार आकर्षण कुरु कुरु स्वाहा, बस इतना ही। अब लड़की के लिए करोगे तो ओम नमो आदि पुरुषाय विनीता कुमारी यादव आकर्षण कुरु कुरु स्वाहा, एग्जाम्पल दिए दोनों। ऐसे पीले रंग के पेपर पे लाल रंग से लिखकर फोल्ड करके, लाल रंग से लिख के फोल्ड करके आपको क्या करना है, ये जो फोल्ड करना है 3 बार इस पेपर को, और वो जो होता है ना शहद की शीशी उसमें डाल दीजिए, और साथ में उसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल दीजिए, पाउडर दालचीनी के पाउडर 1 चम्मच डाल दीजिए, और ना दालचीनी की कुछ स्टिक्स डाल दीजिए, और इसको डाल के आप इसको कहीं छुपा सकते हैं, गाड़ सकते हैं, अपने घर की सबसे ऊँची अलमारी के ऊपर भी रख सकते हैं। ये क्या करेगा, उस व्यक्ति को आपसे प्यार करा देगा जिसके लिए आपने लिखा है, प्यार से मतलब आपके पास आकर्षित कर देगा। छोटा सा उपाय करके देखिए, बहुत बेहतरीन है। रख के भूल जाना, ताड़ कहीं पे भी रख दो, छुपा दो बस, मतलब सोचो मत कि कभी कब जाए, और शीशी होनी चाहिए कांच की, डाबर का लेके आएंगे इसलिए उसमें ठूस देना, पतंजलि का भी ले सकते हो लेकिन शीशी कांच की होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, कांच की शीशी में ही रखना है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा तो खुश रहिए, और इसको थोड़ा सा स्प्रेड कीजिएगा और इस उपाय को जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।